सब्सक्राइब कीजिए माय प्राइमरी सॉल्यूशन चैनल को और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, माय प्राइमरी सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है रविशंकर पाठक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल को डीजे कैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, ये सवाल किया था कि भाई मैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल को डीजे कैसे बना सकता हूँ। तो दोस्तों मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल को बिल्कुल डीजे नहीं बना सकते हैं। भाई जरा सोच कर देखिए, कहाँ डीजे और कहाँ आपका एंड्रॉयड मोबाइल। लेकिन दोस्तों आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल को डीजे की तरह बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल डीजे की तरह बना सकते हैं, डीजे नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अपने एंड्रॉयड मोबाइल को डीजे की तरह बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिए। दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं प्ले स्टोर में और एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैंने प्ले स्टोर ओपन कर दिया है। अब आपको यहाँ प्ले स्टोर के सर्च बॉक्स में टाइप करना होगा X Player 3D। और दोस्तों इस एप्लीकेशन को आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। अब इसकी रेटिंग आप देख लीजिए 4.4 है और 100,000 लोग इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल भी कर चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। अगर आप इसकी रेटिंग पढ़ना चाहते हैं तो नीचे आकर यहां से आप इसकी रेटिंग भी पढ़ सकते हैं। अक्सर आपको किसी भी ऐप्स को इंस्टॉल करने से पहले उसकी रेटिंग पढ़ लेनी चाहिए और अपनी भी राय सुझाव रेटिंग देनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद अब ओपन करते हैं। जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। दोस्तों अब आप यहाँ होम के बटन पर क्लिक करके यहाँ से आप सॉन्ग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कुछ ऑप्शन, ट्रैक, एल्बम, आर्टिस्ट। तो यहाँ से आप ट्रैक में जा करके यहाँ से आप सॉन्ग सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके मेमोरी कार्ड में है, आपके एसडी कार्ड में है या आपके इंटरनल मेमोरी में है। सॉन्ग सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है अकॉस्टिक 3D, तो इस पर आप क्लिक करके अपने डीजे की साउंड को चेंज कर सकते हैं। फिर आप अकॉस्टिक पर क्लिक करके यहां से आप अपनी साउंड की क्वालिटी को बढ़ा घटा सकते हैं। फिर आप क्लासिकल 3D पर क्लिक करके भी साउंड क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं, वैसे क्लासिकल उतना नहीं मजा देता है। अब देखिए यहाँ से आप डांस 3D का भी मजा ले सकते हैं। फिर डांस से आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा एक्सट्रीम, और यहाँ से मिल जाएगा आपको एक्सट्रीम बेस, फिर मिल जाएगा फ्लैट 3D, फिर मिल जाएगा फ्लैट, फिर मिल जाएगा हिप हॉप 3D, फिर मिल जाएगा आपको हिप हॉप, फिर मिलेगा पॉप 3D, फिर मिलेगा पॉप, रॉक 3D, रॉक स्पीकर। तो आपको यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कस्टम सेटिंग करना तो उसके लिए आप इस पर कस्टम पर क्लिक कीजिए, और कस्टम पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको रेड कलर में स्विच का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों आई अंडरस्टैंड के बाद आप फिर से जाइए उसी सेटिंग में और कस्टम में जाइए। देखिए अब ऑन हो चुका है आपका 3D और यहाँ देखिए ग्रीन कलर का हो चुका है। तो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब आप सराउंड से भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं, बेस में भी जा सकते हैं, बेस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इतना कर देते हैं। अब ये ट्रेबल है तो इसको भी बढ़ा देते हैं, इससे क्या होता है झंझनाहट आती है तो बहुत मजा आता है झंझनाहट में। फिर ये है पैन, पैन में क्या होता है कि अगर आप दोनों हेडफोन में समान मतलब उतना ही आवाज़ सुनना चाहते हैं, एक हेडफोन में जितना बज रहा है उतना ही, तो आप इसको सेंटर में रखिए। अगर आप चाहते हैं कि एक हेडफोन में ज़्यादा आवाज़ सुनाई दो, दूसरे हेडफोन में कम आवाज़ सुनाई दे, तो इसको आप राइट या लेफ्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप इसको सेंटर में रखिए क्योंकि सेंटर में रहेगा तो दोनों हेडफोन में आपको अच्छी तरीके से आवाज़ सुनाई देगी। अब इसके बाद आप बैक आ जाइए, अब अपना सॉन्ग बजाइए और देखिए बिल्कुल डीजे का मजा आएगा और बहुत सारा एंजॉय आएगा। आपको असर दिखेगा कि नहीं यार दूसरे एप्लीकेशन में और इस एप्लीकेशन में अंतर है, दम है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए
और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल My Primary Solution को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, तो उस पर क्लिक करके आप हमारे YouTube चैनल My Primary Solution को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों उसके बगल में एक घंटे का ऑप्शन होगा, उस घंटे पर भी क्लिक करके उसको ऑन कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपका कोई सवाल हो, कोई आपका कोई सुझाव हो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल और सुझाव जरूर लिखें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए रोजाना लेकर आते रहते हैं, तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो किसी नए ट्रिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।